मुरादाबाद जनपद में पर्यावरण संरक्षण के लिए मुरादाबाद में ई साइकिल की लॉन्चिंग हुई है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सर्किट हाउस में कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, महापौर, नगर निगम व स्मार्ट सिटी के तमाम अधिकारियों ने ई साइकिल चलाकर इसका शुभारंभ किया। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के खाते में शुक्रवार को नई उपलब्धि जुड़ गई है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण के लिए मुरादाबाद में ई साइकिल की लॉन्चिंग की गई है, जिसका शुक्रवार को मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल और कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमंत कुटियाल ने विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया। सभी ने सड़कों पर साइकिल भी चलाकर एक संदेश दिया। उद्घाटन का कार्यक्रम उद्घाटन सर्किट हाउस में रखा गया। कार्यक्रम में ई साइकिल को लेने वाली कंपनी के सीईओ ने प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए लोगों को अन्य फायदे भी गिनाए। वहीं कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि शहर में 35 जगहों पर स्टेशन पर ई साइकिल की सुविधा मिलेगी। आम लोग बाजार में आने जाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम ई बाइक शेयरिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। ई बाइक जो है वो हाइब्रिड ई बाइक है, जिसमें पैडलिंग भी कर सकते हैं और इसको स्विच से भी चला सकते हैं। ये चार्ज करके चलाई जा सकती है और ये हमने मुरादाबाद के विभिन्न जगहों पर स्टेशंस बना के इसको रखने की व्यवस्था की। अभी हालांकि सारे स्टेशंस तैयार नहीं, पर बहुत शीघ्र हम उसको तैयार करेंगे। तो करीब करीब शहर के हर एक जगह को कवर करेगी, जहाँ से साइकिल लेके जाया जा सकता है। इसके लिए कार्ड होगा पेमेंट के लिए, एक अलग कंपनी है जो इसको अगले 5 साल तक ले चलाएगी और उसके बाद इसको तय किया जाएगा कि आगे हम किस तरीके से चलाना चाहते हैं। इससे कई सारे तरीके के लाभ भी हैं कि लोग साइकिल से जहां भी चाहे जा सकते हैं, चाहे पैडलिंग करके, चाहे ई बाइक के थ्रू। और दूसरी बात है कि इससे हमारे यहाँ शहर में पॉल्यूशन भी कम होगा, लोगों के लिए ट्रैफिक के जो कंजेशन है उससे भी मुक्ति। सर, प्रथम चरण में कितनी साइकिल? हमारे पास टोटल 300 साइकिल का है और ये अभी 300 साइकिल का टोटल प्रोक्योरमेंट 3 करोड़ के बजट से स्मार्ट सिटी के अंदर किया गया है। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के दायरे में ई साइकिल से सफर किया जाए। सीमा के बाहर जाते ही साइकिल जाम हो जाएगी। यही नहीं, जीपीएस सिस्टम से साइकिल की लोकेशन का भी कंट्रोल कमांड सेंटर में पता चल जाएगा। 26 जून से स्टेशन का शुभारंभ हो जाएगा। 15 अगस्त तक शहर में सभी स्टेशन को अंतिम रूप दिया जाएगा। जून में लोग अपनी सुविधा अनुसार किराए पर इसे ले सकेंगे। 15 रुपए प्रति घंटे का किराया रखा जाएगा और मेंबरशिप के तौर पर 1500 रुपए महीना रहेगा। ई साइकिल के लिए ऐप डाउनलोड का भी प्रावधान किया जाएगा और ई साइकिल के लिए हेलमेट और रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होगी। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की टीम को बधाई। एक और कदम मुरादाबाद के विकास में। 35 स्थानों पर 300 साइकिलों के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। बहुत सुविधाएं हैं और आने वाले टाइम में मात्र 1500 रुपया महीने पे कोई भी व्यक्ति इस पूरे एक महीने में इस ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का लाभ उठा सकता है। अगर किसी को पूरे महीने के लिए नहीं चाहिए, अभी खाली स्टेशन से बस अड्डे तक जाना है, तो वो ले सकता है आराम से 1500 रुपये में। इस मौके पर बाल संरक्षण आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर विशेष गुप्ता, नगर आयुक्त संजय कुमार चौहान, नगर निगम बोर्ड की उपाध्यक्ष रुचि चौधरी, सहायक नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त आदि तमाम अधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे।